डियर स्टूडेंट, मैं हूँ सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आई सी एस लाइव पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अवकलन पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, बाकी समाकलन अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, समाकलन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप प्रश्नावली 5.2 का 9वां और 10वां क्वेश्चन नहीं लगवाए हैं, और आप कह रहे थे कि जब आप सांतत्य लगवा लेंगे तो आप 9वां और 10वां क्वेश्चन भी लगवा लेंगे, लेकिन आपने अभी तक 9वां और 10वां क्वेश्चन नहीं लगवाया है। तो कृपया करके आप इसका एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दीजिए, इससे हम लोग इसकी पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो प्रश्नावली 5.2 में क्विज में 9 और 10 छूटा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9 और 10 के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे चैनल का नाम है ICBS क्लासेस और मेरा नाम है सागर, और काफ़ी बच्चों की मांग थी कि सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को लगवाया जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे लगाया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, और मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप सांतत्य पढ़ लेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। अगर आप सांतत्य नहीं लगा पाते हैं तो बिल्कुल आप इसको भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इसको लगाना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप चाहिए सांतत्य को देखिए, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, और मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप सांतत्य पढ़ लेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। अगर आप सांतत्य नहीं लगा पाते हैं तो बिल्कुल आप इसको भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इसको लगाना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप चाहिए सांतत्य को देखिए, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन इतने पर x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। क्या कह रहा है, अवकलित नहीं है, ठीक है। देखिए, अभी तक हम लोग सांतत्य पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर होता था, मैं आपको पीछे बता देता हूँ, वहाँ पर होता था एक होता था आर एच एल। जैसे मान लीजिए कोई फलन दिया है वाई बराबर एफ एक्स दिया रहता था, या एफ एक्स बराबर मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, एक बार एल एच एल निकाल लेते थे और एक बार आर एच एल निकाल लेते थे, और जो ये सांतत्य पूछता था वो किसी न किसी पॉइंट पे पूछता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट पे पूछा तो इसी एक्स के स्थान पे हम लोग 3 रख देते थे और ये हो जाता था एफ 3, ठीक है। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, जब भी ये तीनों बराबर होंगे तो ये हो जाएगा सांतत्य, ठीक है। तो वहाँ पर लिमिट था, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट नहीं है, यहाँ पर सांतत्य नहीं प्रूव करना है, यहाँ पर हमको अवकलनीयता प्रूव करना। अवकलनीयता का मतलब होता है अवकलन, ठीक है। और अवकलन का जो बेसिक फार्मूला होता है, अवकलन का एक विशेष फार्मूला होता है जिससे अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं आपने पढ़ा, एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन ये सब अवकलन के बेसिक फार्मूले नहीं हैं, अवकलन का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है जिससे ये सारे के सारे फार्मूले क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, ठीक है। तो उस फार्मूले की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि उस बेसिक फार्मूले से एक्स के पावर एन के अवकलन का फार्मूला, ई एक्स के अवकलन का फार्मूला, ए एक्स के अवकलन का फार्मूला, जितने भी अवकलन में फार्मूले हैं सारे फार्मूले को अच्छे से प्रूव किया जाए उस फार्मूले से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप काफ़ी लोगों की मांग आई इसको प्रूव करने की, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, जिससे आप लोग इसकी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है अवकलनीयत, मतलब अवकलनीय है कि नहीं। तो अवकलनीयता को बोलते हैं डिफरेंसिबिलिटी, और वहाँ पे डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एल एच एल नहीं निकालना बल्कि निकालना है एल एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंसिबिलिटी, और क्या निकालना है आर एच डी, इसको बोलते हैं राइट हैंड डिफरेंसिबिलिटी। और जो पॉइंट दिया रहेगा, जिस पॉइंट पर गएगा उस पॉइंट को यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए 10 पॉइंट पर गह रहा है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और जब ये तीनों चीज़ बराबर आएगा तो फलन अवकलनीय रहेगा, और बराबर तीनों नहीं आएगा तो फलन अवकलनीय नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतना इतना इतने पर अवकलनीय नहीं है। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट वन दिया है। तो पहले मैं आपको फार्मूले से परिचित करा दूँ, और हाँ, तीन चीज़ बराबर करना है, एक आर एच डी और एक एल एच डी और एक वो फलन, फलन क्या है, तो फलन एफ एक्स बराबर है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x के स्थान में क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, समझ में आ रहा है। अगर ये तीनों बराबर आ गया तो फलन अवकलनीय है, बराबर नहीं आया तो फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो अवकलन का बेसिक फार्मूला वो क्या है। तो देख लीजिए, अवकलन का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है, देखिए f डैश x, f डैश x माने किसी का अवकलन किया गया है, और इसके अवकलन का फार्मूला होता है, पहले होता है लिमिट, और यहाँ पर होता है एच टेंस टू जीरो, और होता है एफ एक्स प्लस क्या है एच, और माइनस क्या होता है एफ एक्स, और बटा क्या होता है, बटा होता है एच। ये होता है अवकलन का बेसिक फार्मूला, सारे मतलब अवकलन का बस केवल एक ही फार्मूला यही है।
और जितने भी फार्मूले पढ़ते हो सारे फार्मूलों का उद्गम उद्गम यहीं से हुआ है, सारे फार्मूले यहीं से पैदा हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, देखिए ये अवकलन है तो इसको हमको भूल जाना है। ये जो है जब आप इस फार्मूले को लगाओगे, इस फार्मूले को, तो जो पैदा होगा उसको बोलते हैं RHD, लेकिन आप H को अगर माइनस में कर दोगे तब जो पैदा होगा उसको बोलते हैं LHD। जैसे मान लीजिए ये लिमिट है, लिमिट H टेंस टू जीरो, अभी मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, सवाल नहीं लगवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x है और h के जगह पे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे माइनस fx हो जाएगा, और बटा h के साथ पे माइनस कर देना है तो ये माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये फार्मूला लगाओगे तो इसको बोलते हैं RHD, लेकिन जब ये फार्मूला लगाओगे तो इसको बोलते हैं LHD, ठीक है। और फलन क्या है, F1, ये तीनों अगर बराबर आए हैं तो फलन अवकलनीय है, नहीं आया तो अवकलनीय नहीं है। तो आइए देखते हैं, अब देखते हैं कि सवाल को कैसे लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले देखिए जो भी फलन दिया उसको उतार लीजिए। तो फलन क्या है, fx बराबर मोड में x-1, यही है ना, कह रहे x एलिमेंट, यानी यहाँ x जो है एलिमेंट r का, मतलब x एक वास्तविक संख्या है तो उससे मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। देखिए x बराबर एक है तो क्या करोगे, x बराबर एक इसी में पुट कर दोगे, x बराबर एक रखोगे तो क्या हो जाएगा, fx के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये मोड में x यहाँ पे एक हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, एक में से एक घटाओगे तो मोड में जीरो आएगा। और मोड क्या करता है कि अगर संख्या निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देती है, तो निगेटिव में तो है नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो, यानी F21 की वैल्यू आ गई वो जीरो आ गई, एक वैल्यू तो निकल गई। अब हमको निकालना है RHD और फिर निकालेंगे LHD। तो देखिए पहले क्या निकालते हैं, पहले निकाल देते हैं RHD। तो RHD निकालने के लिए जो फार्मूला उसको लिखिए, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला यही है, देखिए फार्मूला है लिमिट H टेंस टू जीरो FX प्लस H माइनस क्या FX, और नीचे क्या है तो नीचे हो जाएगा बटा H। ये RHD निकालने का तरीका है। अगर आप चाहते हो LHD निकालने का तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा HD, और यही फार्मूले में क्या करना है, जहाँ पे H पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देना है H टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या है FX माइनस H, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे FX और बटा नीचे H को निगेटिव कर दो। तो ये LHD है और ये क्या है RHD है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब कैसे लगाओगे, तो बहुत ध्यान से आप देखो। देखो सबसे पहले तो FX प्लस H का मान निकाल लोगे, ये कैसे निकालोगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उसे निकाला नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। देखो पहले यहाँ पे जब X है तो यहाँ पे X है कि नहीं है, यहाँ पे अगर हाथी होती तो यहाँ पे हाथी हो जाता, यहाँ पे घोड़ा होता तो यहाँ पे घोड़ा हो जाता, यहाँ पे गधा तो यहाँ पे गधा। तो यहाँ पे अगर x प्लस h कर दोगे तो क्या होगा, इस x के स्थान पे x प्लस h नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आ जाओ इसी में देख लेते हैं, मैं बगल पे इसको बगल में आप कर सकते हो f, x के स्थान पे आपको क्या रखना है x प्लस h, तो आप रख सकते हो x के स्थान पे x प्लस h, और क्या हो जाएगा इधर मोड में x के स्थान पे x है तो यहाँ भी मोड में यहाँ पे x प्लस h है, तो इसी x के स्थान पे क्या हो जाएगा x प्लस h, और माइनस एक तो है ही है, ये निकल गया किसका मान, fx का मान। तो आ जाओ देखो वो ये है लिमिट h टेंस टू जीरो, देखो fx प्लस h की वैल्यू क्या है, तो ऊपर क्या निकालो मोड में, ये तो निकालो तो लिख दो मोड में x प्लस h माइनस एक, ओ मोड बंद कर दो, माइनस fx, तो fx की वैल्यू ऊपर दी है मोड में x माइनस वन, तो आप लिख दो मोड में x माइनस वन, और बटा h है तो h को आप वैसे ही रहन दो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, लिमिट h टेंस टू जीरो, मोड को आप खोल सकते हो या रहें तो नहीं खोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या खोल दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मोड करता क्या है, मोड ये करता है कि अगर संख्या अंदर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है, तो अंदर तो कुछ है नहीं तो रहन दो। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, देखो x की जो वैल्यू है ऊपर एक है तो यहीं पर आप पुट कर सकते हो, जब पुट करोगे तो थोड़ा नीचे देख लेते हैं, पुट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और मोड में x की वैल्यू क्या है एक, तो प्लस h माइनस एक, और ये माइनस मोड में x की वैल्यू एक है तो हो जाएगा एक माइनस एक, और बटा क्या हो जाएगा h हो जाएगा। देखो एक x एक से एक कट गया, ये भी एक से एक कट गया, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये मोड में क्या बचेगा, मोड में h बचेगा माइनस ये मोड में क्या बचेगा जीरो बचेगा, और बटा क्या बचेगा h बचेगा। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा h टेंस टू जीरो हो जाएगा, और देखो ये मोड हटेगा तो अंदर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये h हो जाएगा, ये माइनस जीरो हटा दो बटा हो जाएगा h, h से h कट गया, यहाँ पे सिर्फ बचा एक, और h की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर h है नहीं, तो कहोगे h बराबर जीरो रखने पर आप रख सकते हो,
और जैसे रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक। ये किसकी वैल्यू आई, तो ये आ गई आर एच डी की वैल्यू, एक आ गई। ठीक है, अब निकालोगे एल एच डी की वैल्यू, तो आ जाओ देखो ध्यान से। एल एच डी की वैल्यू निकालने के लिए पहले लिखोगे लिमिट, तो लिख दो लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो यहाँ पे एक्स माइनस एस का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पे जब एक्स है तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस एस कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच। तो ये हो जाएगा मोड में एक्स के जगह पे क्या, एक्स माइनस एच, बाकी माइनस एक तो रहेगा ही। और ये माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू तो वही है मोड में एक्स माइनस वन, और बटा क्या है नीचे माइनस एच। एक्स की वैल्यू एक है यहीं पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू आप एक रख सकते हो, तो लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। और ये मोड हो जाएगा एक्स की वैल्यू एक माइनस एच माइनस एक, और ये क्या है माइनस, मोड में एक्स की वैल्यू क्या है एक माइनस एक, और बटा क्या है नीचे माइनस एच। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो ऊपर एक से कटा तो मोड में माइनस एच आ जाएगा, मोड हटेगा तो माइनस एच गायब हो जाएगा और एच प्लस हो जाएगा, एक में से घटेगा जीरो हो जाएगा, इसको हटा सकते हो, बटा क्या है माइनस एच है, इसी ये काटोगे तो आएगा माइनस एक, क्या आएगा माइनस एक आएगा। इधर एच बचा नहीं है, इसकी वैल्यू अगर आप रख देते हो एच बराबर जीरो रखने पर, अगर आप रख भी देते हो तो वैल्यू क्या आएगी, एक नहीं बल्कि माइनस एक आएगी। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आर एच डी की वैल्यू आई, आर एच डी की वैल्यू, और जो वो क्या आई, आर एच डी की वैल्यू एक आ गई, नहीं आई तो नीचे देख लेते हैं। देखो आर एच डी की वैल्यू एक आई है, एल एच डी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है माइनस एक आई है, और एफ वन की जो वैल्यू आई थी वो जीरो आई थी, तो कह सकते हो एफ वन की वैल्यू क्या आई है जीरो। तो तीनों वैल्यू क्या बराबर हैं आपस में, बोलो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो कह सकते हो कि आर एच डी, एल एच डी और एफ वन तीनों बराबर नहीं है, जैसे ये फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे लगाया जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, और बहुत ध्यान से आप देखिए। इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो तब आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। अधिकतम पूर्णांक फलन जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अधिकतम पूर्णांक फलन। जब आप ये समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन में 10 आप बहुत आसानी से लगा ले जाओगे। देखो अधिकतम पूर्णांक फलन कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, अगर ये सब आपको अच्छे से जानना है, तो अगर आपने सांतत्य को पढ़ा है तो सांतत्य के मैंने एक क्वेश्चन में 22 या 23 क्वेश्चन में मैंने अच्छे से चर्चा किया है कि अधिकतम पूर्णांक फलन क्या होता है। देखिए ये कह रहा है महत्तम पूर्णांक फलन, और ये जो ब्रैकेट लगा है इसी को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं अधिकतम इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, बस मैं आपको यहाँ पे ये निकालना बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं कह दूँ 5 का ग्रेटेस्ट यानी महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, तो हो जाएगा 5 ही। 6 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 ही। 7 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7। यानी अगर कोई पूर्णांक है तो उसका अधिकतम पूर्णांक फलन वही होगा, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है, दशमलव में है, तो उसका अधिकतम पूर्णांक फलन अलग अलग होगा। अगर वो निगेटिव में है तो अलग होगा, पॉजिटिव में है तो अलग होगा। कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं कहूँ 3.2 और उसका पूछूँ अधिकतम पूर्णांक फलन, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 हो जाएगा अधिकतम पूर्णांक फलन। मैं कह दूँ 4.7 और कह दूँ अधिकतम पूर्णांक फलन, तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। 8.3 अधिकतम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10.4 अधिकतम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये निगेटिव में होता और फिर निकालते अधिकतम पूर्णांक फलन, तो इसी में क्या करते घटा देते। जैसे मैं कह दूँ -8.3 और निकालना है अधिकतम पूर्णांक फलन, ठीक है, तो इस 8 में से जब एक घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, और इसका ये है अधिकतम पूर्णांक फलन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं कह दूँ -4.3 और इसका निकालना है अधिकतम पूर्णांक फलन, तो क्या करोगे, 4 में से एक घटा दोगे, और घटाने आओगे तो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। मतलब अगर वही सेम संख्या है तो उसका वही हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव में है तो वही संख्या ही क्या होगी अधिकतम पूर्णांक फलन, अगर वो निगेटिव में है तो जो यहाँ पे लिखा हुआ उसमें एक बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह निकाला जाता है अधिकतम पूर्णांक फलन। तो अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो क्वेश्चन में 10 आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। देखो तेरा सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन इतने के लिए एक्स 0 से बड़ा है, 3 से छोटा है, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 3 से छोटी है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, और देखो एक्स की वैल्यू जो 1 है, एक्स की वैल्यू जो 2 है, वो इसके बीच में है कि नहीं, तो बिल्कुल इसके बीच में है। ठीक है, तो एक बार एक्स बराबर 1 के लिए चेक करते हैं, तो एक्स बराबर 1 के लिए, तो एक्स बराबर जब 1 के लिए आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, कुछ नहीं होगा, पहले जो फलन है उसको आप उतार लो। देखो एफ एक्स बराबर क्या है, ये है मोड में एक्स। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे हाथी होती है तो यक्ष के स्थान पे हाथी हो जाता है, यहाँ पे घोड़ा होता तो यक्ष के स्थान पे घोड़ा हो जाता है, यहाँ पे पी होता तो यक्ष के स्थान पे पी हो जाता है। ठीक है, तो
एक्स बराबर एक पे चेक करना है तो क्या करो, एक्स बराबर एक रख दो, रख दो यहीं पे, तो यफ एक्स के स्थान पे क्या करो एक रख दो, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान एक है तो यहाँ पे एक रख दिया गया। अब एक देखो एक संख्या है, और मैंने बताया कि अगर पूर्णांक है तो उसका अधिकतम पूर्णांक फलन क्या होगा, एक वही होगा, तो आ गया यफ वन की वैल्यू क्या आ गई वन, समझ में आया कि नहीं, तो ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे आर एच डी, फिर निकालेंगे एल एच डी, तो आ जाओ निकाल लेते हैं आर एच डी। देखो पहले आर एच डी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे एल एच डी। तो एल एच डी आर एच डी निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं, क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटा क्या एच, ये होता है आर एच डी का सूत्र। एल एच डी का निकालने के लिए जहाँ पे एच वो निगेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच के जगह पे माइनस एच और माइनस क्या एफ एक्स और बटा क्या नीचे एच के जगह पे माइनस एच हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे अगर एक्स प्लस एच कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच है तो यहाँ पे एक्स प्लस एच कर दो, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, तो हो जाएगा ये एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है इसमें बड़े से बड़े में एक्स, और नीचे क्या है एक्स, वही सेम काम यहाँ कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आगे लिमिट है तो लिमिट को रहने देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वही काम यहाँ कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू क्या, एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच, तो क्या करेंगे जो फलन है एक्स के स्थान पर एक्स माइनस एच रख दोगे तो हो जाएगा एक्स माइनस एच, और माइनस एफ एक्स के स्थान पर रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स और बटा ये क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो एक्स की वैल्यू एक के लिए चेक कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ एक है वहाँ पे क्या करो, एक्स है वहाँ पे एक रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे देखो एक्स है तो यहाँ पे एक प्लस एच हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कर दो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, एक्स के स्थान पे एक रहोगे तो एक माइनस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, एक्स के स्थान पे एक रहोगे तो यहाँ पे एक हो जाएगा, और बटा क्या नीचे क्या है माइनस एच है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो लिमिट तो है तो लिमिट को पहले आप उतार दो, फिर ये क्या है एच टेंस टू जीरो है, देखिएगा ध्यान से, वन प्लस एच है, मतलब वन में कुछ जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, तो बिल्कुल जोड़ा गया है। अब मान लो जो एच है वो बहुत छोटी संख्या है, क्योंकि कह रहा है एच टेंस टू जीरो यानी एच लगभग जीरो के बराबर है, तो मान लो एच कोई छोटी संख्या है, मान लो 0.2 है, तो मान लो अगर ये 0.2 है, कुछ कुछ छोटी संख्या आप मान सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो ये जीरो मनी मानना है तो ये 0.2 है तो जोड़ोगे तो क्या आएगा 1.2 आएगा, 1.2 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे एक है, ये पॉजिटिव है इसलिए एक ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एक माइनस एक और बटा क्या है एच, है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक में से घटाओगे जीरो बटा क्या आएगा एच आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो में एच का भाग करोगे जीरो आएगा, एच की वैल्यू जीरो यहाँ पे रखोगे भी एच बराबर जीरो रखने पे तो रखोगे तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया, यानी आर एच डी की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई जीरो आ गई, एक चीज़ तो मिल गई आर एच डी। अब हमको निकाला है एल एच डी, एल एच डी कैसे निकालोगे तो बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो एक में से कुछ घटा है, मान लो 0.1 ही घटा है, क्या घटा है 0.1 ही 0.2 ही घटा है, इसकी वैल्यू कुछ भी आप मान लो 0.2 मानोगे तो घटाओगे तो आएगा 0.8, और इसका जब आप निकालोगे अधिकतम पूर्णांक फलन तो यहाँ पे जीरो है, ये पॉजिटिव में इसलिए जो यहाँ पे होता है वही क्या होता है अधिकतम पूर्णांक फलन, तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस एक का एक ही होता है, और नीचे क्या है माइनस एच, यही तो है एक मिनट, हाँ ये है। अब इतना हो गया, इसके बाद क्या हो करोगे तो हो जाएगा लिमिट, देखो तो माइनस माइनस कट जाएगा और हो जाएगा एच टेंस टू वन अपान क्या एच, एच की वैल्यू जीरो है तो एच बराबर जीरो आप रख दो, रख दो क्या करोगे तो रखोगे तो ऊपर वन है नीचे क्या है एच की वैल्यू जीरो है, भाग करोगे तो आएगा इनफाइनाइट, ओ सॉरी 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 दिखा नहीं आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं, देखो लिमिट वन अपान एच, एच की वैल्यू जीरो मैंने रख दिया तो वन अपान क्या हो गया एच की वैल्यू जीरो हो गया, भाग किया इनफाइनाइट आ गया। और आप ध्यान से देखो क्या जो तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, आर एच डी की वैल्यू क्या है जीरो है, एल एच डी की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, एल एच डी की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है,
और जो फलन या फोन की मान आई थी वो क्या थी, तो वो थी एक। ये तीनों वैल्यू की आपस में बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। अतः ये क्वेश्चन में जो 10 है वो x बराबर 1 के लिए अवकलनीय नहीं है, और वैसे ही आपको x बराबर 2 के लिए भी करना है, ठीक है। तो इसको आप करके मेरे व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ मैंने 9 और 10 को देख लिया है। अब फिर चलेंगे समाकलन की ओर, क्योंकि हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन से फिर अवकलन पर आना पड़ा, तो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2, ठीक है, प्रश्नावली 7.2। तो उसकी वीडियो को लेकर मिलते हैं कल पार्ट 1 के साथ उसके। तो अगर वो वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 7.2 के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने प्यार हमारे प्रयास बनाए रखिए। धन्यवाद।